सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज लगभग लगभग एक महीना या उससे ऊपर ही हो चुका होगा फेस वाला वीडियो बनाया हुआ। बहुत दिनों के बाद आए हैं। क्लास होगा आज का रिगार्डिंग क्लास 12। क्लास 12 वालों के लिए मैंने एक कोर्स बनाया था, बेसिकली नोट्स बनाया था अकाउंटेंसी का, जो कि मैंने दिया, बहुत लोगों को मिला। और नोट्स मिलने के बाद में क्या हुआ, हमारा सिलेबस चेंज हुआ था, मतलब रिड्यूस हो गया था। और जैसे ही रिड्यूस हुआ तो बहुत लोगों का मैसेज आना शुरू हो गया कि सर क्या क्या टॉपिक हट गया, वो वाला वीडियो, वो वाला जो है पीडीएफ दे दीजिए। ठीक है, तो पूरे पीडीएफ को रिसाइज करना, और मैं समझता हूँ ये बेकार की बात होगी, क्योंकि फिर से उन्हीं लोगों को देना, और बहुत लोगों के पास जो लोग लिए हैं उन लोगों का जो है मेरे पास वो नहीं है, कॉन्टैक्ट भी नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सअप जो है सब गड़बड़ होते रहता है, पता होगा। और बहुत दिनों से वीडियो क्यों कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने रूम शिफ्ट किया और उसके बाद कुछ ना कुछ काम में लगे रहे तो थोड़ा बिजी हो गए थे। ठीक है, और अगला ये जो मंथ है नवंबर, उसमें बहुत कम ही एक दो ही करके वीडियो आएगा, क्योंकि आगे भी कुछ काम और है। ठीक है, अच्छा, अकाउंटेंसी का जो है उसका मैं जो भी क्वेश्चन रिड्यूस्ड है, मतलब जो नहीं आएगा आपके, जो भी मैंने नोट्स दिया उसमें से नहीं आएगा। ठीक है, याद होगा मैंने एक नोट्स बनाया था सुपर 50 करके मैंने एक नोट्स बना के आपको दिया था, जिसमें टोटल 50 के आसपास क्वेश्चंस थे जो आपको करना था AHSEC एग्जाम के लिए। ठीक है, 12 का, उसमें से कुछ क्वेश्चंस घट जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन घटेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, और आपको जो दिया गया है कि आपका ये टॉपिक नहीं आएगा, मेजरली अगर बोला जाए बेसिकली पार्ट ए से बहुत कम टॉपिक को छोड़ा गया है, सिर्फ पार्ट बी से कुछ टॉपिक्स को टोटली एलिमिनेट किया गया। ठीक है, तो पार्ट बी जो इस बार थोड़ा आसान होने वाला है, बट पार्ट ए जो जैसा का तैसा ही रहने वाला है। ठीक है, लगभग। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चैप्टर 1 NPO से, ठीक है, तो क्या हटाया गया है, इंसिडेंस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो है हटा दिया गया। ठीक है, पहले इससे पहले भी नहीं आता था, इससे पहले भी कभी भी नहीं आया इसका क्वेश्चन, और अभी भी नहीं आना आ रहा है, तो समझ लो इसमें जो भी हटाया गया कोई काम का नहीं आपके लिए। ठीक है, बाद बाकी यूनिट 1 में NPO का सब कुछ रहेगा। ठीक है, बेसिकली क्या पढ़ना होगा आपको, जो मैंने इंपॉर्टेंट जो दिए हैं उसमें, जैसे कि NPO क्या है, टाइप्स ऑफ आ जाएगा NPO, उसके बाद में आपका रिसीट पेमेंट अकाउंट हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, फीचर हो गया, जितना था वो रहेगा ही, डिफरेंस रह गया, डिफरेंस कर लेना, 2 साल से नहीं आ रहा है अगर तो इस साल आने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। देन कुछ वर्ड्स मैंने आपको दिए थे, टर्म्स दिए थे जिसका आपको मीनिंग बताना, जैसे कि ऑनरेरियम हो गया, कैपिटल फंड हो गया, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में हमने दो क्या किया, लॉन्ग क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है, हालांकि ये बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है, बट अगर आया तो इसके लिए हमने इसे भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, आने से 5 to 8 मार्क्स तक आ सकता है, और हालांकि चांस बहुत कम होता है इधर से उसने आने का। ठीक है, अच्छा, मतलब बहुत कम ही है वो, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि एटलीस्ट पास होने के लिए, मतलब पास कर 50 लाने के लिए उतना पढ़ने से हो जाएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रैक्टिकल का भी होगी, और प्रैक्टिकल के लिए लोग पूछ रहे थे कि प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंट या फिर पैटर्न कैसा आएगा, तो हम एक साथ डिस्कस करेंगे एक लाइव वीडियो रखकर। ठीक है, बीच में कभी संडे को मैं कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 वाले हो अगर कोई भाई बहन तो उसको भी दे देना, 9-10 का भी बहुत सारा क्लास है उसको भी लिंक शेयर कर देना। ओके, नाउ चैप्टर 2 में आते हैं। चैप्टर 1 से सिर्फ कुछ नहीं हटाना है, चैप्टर 1 से सब कुछ है हमारा, जो थ्योरी था वो सारा ही है। ठीक है, चाहो तो लॉन्ग क्वेश्चन मत करना, शॉर्ट जरूर कर लेना। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो अभी, लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा अभी मत पढ़ो। ठीक है, एग्जाम से पहले मैं बता दूंगा, मैं मोटा मोटी 10 या 12 क्वेश्चन दे दूंगा, जिसमें से 3-4 गिर जाएगा, आपका काम हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, ओके, नाउ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से जो यूनिट 2 है आपका, वहाँ पे आपका एक्सक्लूडेड टर्म क्या था, गारंटी ऑफ प्रॉफिट एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू मीन बाय गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये नहीं करना है। और उसके बाद में पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन भी हमारे पास में थ्योरी में आता नहीं है, प्रैक्टिकल में ही आता है, और अभी नहीं आता है ना के बराबर। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट से एक क्वेश्चन बनता था प्रैक्टिकल, वो टॉपिक ही नहीं करना है। ठीक है, तो ना थ्योरी करना ना प्रैक्टिकल करना है, तो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना होगा मैं आपको बता देता हूँ गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। हाँ, पेज नंबर 30। ठीक है, मतलब कि पेज नंबर 30 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पेज 30, जो लोग सुपर 50 कोर्स जो था वो जो लोग नहीं लिए हैं, जो लोग लिए हैं वो बस पेज नंबर देख लेंगे, और वहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, पेज 30 का क्वेश्चन 20 है, ये नहीं आ रहा है हमारा। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ कैमरा में पूरा आ रहा है क्या। हाँ, पूरा आ रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, और क्या था, और इस चैप्टर से कुछ नहीं हटने वाला है, जो जैसे था पहले वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो बोला जाए तो आपको बनाया गया है, ठीक है, उल्लू बना दिया गया है, ज़्यादा कुछ घटाया नहीं गया है। नेक्स्ट आते हैं रिकंस्टिट्यूशन में, मैंने जो बनाया था यूनिट 3 उसमें मैंने दो तीन रिलेटेड टर्म्स को एक साथ में डाल दिया था। तो रिकंस्टिट्यूशन के अंदर में हमारा 3 पार्ट होता है, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट देते हैं, सब आ जाता है, तो उसके अंदर में ही
पहले तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया, आपको अगर यहाँ पर दिख रहा होगा ठीक है, तो मैंने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर दे दिया है ठीक है। कौन सा 2 मार्क का, 4 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए, जो भी बनने वाला है मैंने यहीं पर डाल दिया ठीक है। तो पहले तो इसको खत्म करना है, अब इसमें से किसको छोड़ देना है। तो एग्जाम में आपको जो जो सिलेबस दिया गया था उसमें बोला था कि कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड्स ऑफ गुडविल ठीक है। तो मेथड्स ऑफ गुडविल में कैपिटलाइजेशन वाला जो पोर्शन था बेसिकली सुपर प्रॉफिट का था वो नहीं करना है, एवरेज प्रॉफिट का था नहीं करना है, कैपिटलाइजेशन वाला नहीं करना है, नॉर्मल वाला करना है ठीक है, प्रैक्टिकल भी करना है और थ्योरी भी करना है ठीक है। ओके, देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल प्रैक्टिकल में आता है ठीक है, जो कि नहीं आएगा अभी तो बस छोड़ दो, नहीं करना है उसको। और चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बोला जाए तो बोला गया है कि चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का बात किया गया ठीक है। तो देखो प्रॉफिट चेंजिंग रेशियो जो होता है हमारा वो चेंज होगा, अगर आप अभी नहीं करोगे तो प्रैक्टिकल में आपको प्रॉब्लम आ सकता है ठीक है, प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आ सकता है, प्रैक्टिकल सम्स में। तो जो अकाउंट्स के टीचर होंगे जरूर कराएंगे ये आपको ठीक है, बेसिकली यहाँ से थ्योरी नहीं आता है ठीक है, प्रैक्टिकल ही आता है। तो अगेन बोला है तो चैप्टर 3 हमारा जो है जितना चाहिए था उतना है ठीक है। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन निकाटना होगा, तो जो गुडविल का मैंने बात बोला था, तो मैंने क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 36 में ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 9, बोला क्या गया है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने दे दिया है कि कैपिटलाइजेशन मेथड में किसका होता है, क्या होता है, जैसे कि मैंने दे दिया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का होता है, सुपर प्रॉफिट का होता है ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट को मैंने एक्सप्लेन किया और सुपर प्रॉफिट को एक्सप्लेन किया, तो वो वाला क्वेश्चन नहीं करना है, बाद बाकी जितना था सब पहले जैसा ही करना है ठीक है। ओके, पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लर्न वो करना है जो इंपॉर्टेंट मैंने दे दिया है, बचा हुआ बाद में, वो एक्स्ट्रा है ठीक है। कुछ सीबीएसई से काट के मैंने डाला, जहां तहां से डाला, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा ठीक है। तो उतना आपके एएचएससी में तो उतना नहीं पूछा जाएगा ठीक है। ओके, नाउ आते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में आपका है रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। यहां पर बोला गया क्या था, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर करेंट पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर करेंट पीरियड ये बोला गया नहीं आएगा, तो इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन नहीं बनता है ठीक है, प्रैक्टिकल बनता है तो नहीं आने वाला है ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट जो है इंडिविजुअल के लिए शायद बोला गया था, जेएलपी एंड इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी के केस में जो है ट्रीटमेंट जो है वो नहीं आना है ठीक है। तो ये भी प्रैक्टिकल का ही पॉइंट हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। तो अब पूछा जाएगा कि सर व्हाट इज जेएलपी, व्हाट डू यू मीन जेएलपी, क्या चाहिए, यहाँ है बिल्कुल चाहिए ठीक है, ये बिल्कुल चाहिए, पहले भी आ चुका है, अभी भी आ सकता है और आएगा ही ठीक है, क्योंकि बनता कहाँ से क्वेश्चन है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखो तो आपको ज्यादा नहीं कटने वाला है ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है पेज 48 में, पेज 48 का क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपको नहीं करना है। 15 में क्या बोला गया है, 15 में बोला गया है इफ अ पार्टनर डाइज ड्यूरिंग ए ईयर हाउ विल यू असर्टेन द शेयर ऑफ प्रॉफिट, आ गया प्रॉफिट कैलकुलेशन का बात ठीक है, करंट ईयर प्रॉफिट कैलकुलेशन बात आ गया, नहीं करना है ठीक है, बाद बाकी सब कुछ करना है ठीक है। तो यहाँ पे करंट ईयर का प्रॉफिट की बात को हटा दिया गया था, बस उसको हटा देंगे। तो बेसिकली 2 बेसिस होता है, आपने पढ़ा हुआ अकाउंट्स तो ठीक है ना, यहाँ पे है टाइम बेसिस है और टर्नओवर बेसिस है, बस वही नहीं करना है, बाद बाकी सब जो भी था जैसा था सब करने का है ठीक है। चलो चैप्टर 5 में आते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, रियलाइजेशन और मेंशन रिजोल्यूशन ठीक है। सो रिजोल्यूशन के अंदर आते हैं, तो यहाँ से आपका लगभग लगभग नाके बराबर कुछ नहीं हटाया गया यहाँ पे ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं पार्ट बी में, पार्ट बी में अगेन आपको बोला गया है इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश नहीं करना है। तो एक क्वेश्चन ही आपका बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश, ये नहीं करना है आपको थ्योरी में। और बायबैक ऑफ शेयर मैंने अपने नोट्स में सिर्फ इंक्लूड किया है मीनिंग, सिर्फ मीनिंग को मैंने इंक्लूड किया है, आप जो है बेनिफिट जरूर कर लेना, लिमिटेशंस और बेनिफिट आप खुद से कर लेना ठीक है, एटलीस्ट 2-2 पॉइंट ही कर लो, 3-3 पॉइंट को कर लेना इस बार के लिए कर लेना, नॉर्मली नहीं करने को मैं बोलता हूँ, इस बार कर लेना, नोट्स में वो शायद इंक्लूडेड नहीं होगा ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश नहीं आएगा ना, तो ये कहाँ पे हमारे पास में, ये हमारा एक तो बायबैक है क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है। पेज नंबर है आपका कितना, पेज है आपका पेज 64 में क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है, ये नहीं करने का है ठीक है ठीक है। और यहाँ पे हो गया बाईबैक, बाईबैक का बोला गया है बाईबैक ऑफ शेयर नहीं करने के लिए ठीक है, सिर्फ बोला गया मीनिंग ऑफ बाईबैक, याद रखना उसमें देखो बोला है मीनिंग ऑफ बाईबैक, तो बाईबैक का मीनिंग नहीं करना है, मेरे डिमेट में भी पूछ ले ठीक है, तो कर लेना। और इस बार के लिए मे बी कहीं प्रैक्टिकल भी आ जाए, कम चांस है बट मे बी ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो ऐसे आता है बीकॉम में ठीक है। ओके, देन आपके पास में क्या आता है, देन है आपके पास में यहाँ पर शेयर जो है अदर देन कैश, तो ये आपको मिलेगा कहाँ, पेज 68 में जाना, पेज 68 में जाना और वहाँ पर क्वेश्चन जो है 18 का ठीक है, जो पार्ट बी आंसर जो मैंने दिया है ठीक है, एक तो मैंने दिया है इशू फॉर कैश और दूसरा है अदर देन कैश, तो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पार्ट नहीं करना है, एक दो लाइन का है वो ही नहीं करना है, बाद बाकी जो था वो करना है ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं आगे, फिर अगेन इस चैप्टर से जो पहले जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई चीज़ छूटेगा नहीं हमारा। अगेन आते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और इस बार ये दो चैप्टर से थ्योरी या प्रैक्टिकल ज़्यादा ही गिरने वाला होगा,
किससे? शेयर से भी और रिडेम्पशन से भी, क्योंकि आगे जाकर कुछ जो प्रैक्टिकल आने वाला था उस टॉपिक को हटा दिया गया है, ठीक है। मे बी थोड़ा सा वहाँ पे हो, मतलब कम बेसी हो सकता है, ठीक है। सो इशू ऑफ रिडेम्पशन, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहाँ पर बोला गया इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश नहीं आएगा, कोलेटरल सिक्योरिटीज नहीं आएगा, ठीक है। अदर देन कैश का मीनिंग शायद मैंने नोट्स में इंक्लूड ही नहीं किया है, तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जैसा शेयर था वैसा ही डिबेंचर में होने वाला था, बस वर्ड चेंज करना है, आंसर सेम ही रह जाता। और कोलेटरल सिक्योरिटी का मैंने क्वेश्चन दिया है, वो आपको थ्योरी नहीं करना है, प्रैक्टिकल तो वैसे भी नहीं करते थे हम पहले भी, ठीक है। और एक और आता है हमारा अकाउंट्स फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, थ्योरी तो आता नहीं है, प्रैक्टिकल आता है, प्रैक्टिकल भी कभी नहीं है अभी तक, ठीक है, तो वो भी आप नहीं करने वाले थे। फिर एक रह गया, एक और होता है लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, शेयर नहीं सॉरी डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, वो भी इस बार नहीं आएगा। तो 5 मार्क का जो है ना ये वाला सब नहीं आएगा। अब ये अगर नहीं आएगा तो फिर कुछ और होगा जो उसके जगह पे लेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है देख लो, आप देख लो क्वेश्चन नंबर 8, पेज 76 से क्वेश्चन नंबर 8 मत करना, ठीक है। यहाँ पे दिया गया व्हाट डू यू मीन बाय इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, ये नहीं करने का है। और अगेन इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी आपका नहीं आएगा, ठीक है। कहाँ पे है? 77 में ही है, बगल में, ठीक है। ओके, बाद बाकी जो भी था करना है, ठीक है। हर चैप्टर से मैंने मोटा मोटी वही कहीं से 12, कहीं से 10, कहीं पे 20 भी हो गया, तो कहीं पे 10 भी है, कहीं पे 6 भी क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो इस चैप्टर से लगभग लगभग कुछ नहीं छोड़ा गया है, ठीक है। जब नहीं छोड़ा गया तो नहीं छोड़ा गया, पूरा करना है आपको। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगेन इसमें से भी आपको कुछ नहीं छोड़ना है। देन आते हैं अकाउंटिंग रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियोज से आपको सिर्फ मीनिंग करना है, ठीक है, मीनिंग करना है आपको, ठीक है। रेशियो एनालिसिस या रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या है वो, देन ऑब्जेक्टिव करना, नेचर करना, एडवांटेज करना, लिमिटेशन करना, ठीक है। यहाँ पे 5-5 दिया गया है, जरूर 5-5 ही पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में कोई एक ही टॉपिक डायरेक्ट आएगा 5 मार्क का, ऐसा बोलेगा व्हाट डू यू मीन रेशियो और व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, मेंशन इट्स 5 ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, डायरेक्ट 4-5 ऐसे देगा, 6 मार्क का क्वेश्चन बना देगा। क्या नहीं करना है? टाइप्स ऑफ रेशियो पूरा छोड़ देना, टाइप्स ऑफ रेशियो पूरा छोड़ देना। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद, 7 और 8, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 94 से 7 और 8 जो क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स है, ये बिल्कुल ही छोड़ देना है आपको, ठीक है। देन अगेन 8 में ही फिर यहाँ पे 8 करके एक और दिया गया है, मीनिंग ऑफ करेंट एसेट्स करेंट लाइबिलिटी, तो करेंट एसेट्स करेंट लाइबिलिटी कर लेना, ठीक है, ये सब कर लेना, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में वैसे भी प्रैक्टिकल तो आएगा ही नहीं। मैंने क्या बोला, थ्योरी तो करना ही नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं करना है, तो रेशियो की तरफ से नहीं रहेगा, बस हल्का सा मीनिंग पढ़ लेना किसका। ये क्वेश्चन नंबर 96 में मैंने एक 8 टाइपिंग मिस्टेक आ गया, पहले भी 8 आ गया था, यहाँ पे भी 8 आ गया, ठीक है। तो वो जो 8 है ना 96 वाला, ये वाला करना है, 96 वाला, ठीक है, 96 वाला ये आपको करना है, ठीक है। ओके, 94 वाला नहीं करना था, 96 वाला आपको करना है, ठीक है। इसमें बोला क्या गया है कि बताओ मीनिंग ऑफ करेंट एसेट्स करेंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो जस्ट हल्का सा है, पढ़ लेना इसको, ठीक है। और लास्ट में आते हैं कैलकुलेस कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS वाला में, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक ही क्वेश्चन टॉपिक बोला गया छोड़ने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, इसको छोड़ देना। अब इसके अंदर में दो मेथड डायरेक्ट इंडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट एज पर AS3, तो डायरेक्ट और इंडायरेक्ट जो दोनों आपको छोड़ देना है, बिल्कुल ही छोड़ देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको सिर्फ थ्योरी देखना है, और वो जो छोड़ने वाला जो मैं बोला जो छोड़ देना है वो मैंने भी पहले ही छोड़ दिया था, यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है 8, 9, 10 क्वेश्चन आपको बनाकर दे दिया था, लेकिन जो मेथड है वो मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, क्योंकि बहुत कम चांस होता है आने का, ठीक है। तो मैंने भी छोड़ दिया था, आपको भी बिल्कुल ही छोड़ ही देना है, ठीक है। सो चलो, इस तरह से मैंने आपको बता दिया अपना जो मैंने नोट्स जो दिया था उसमें क्या क्या क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। सो जो लोग सुपर 50 वाले लिए थे वो लोग इसको फिर से कर लें, ठीक है। तो आप लोग का ये मेहनत कम हो गया, और मुझे बहुत व्हाट्सएप आता था इसके बारे में, तो मैंने ये कर दिया। 2 स्टूडेंट था जो बार बार मैसेज कर रहा था, उसके लिए मैंने किया है, ठीक है। और अब जो लोगों ने नहीं लिया है, ठीक है, जो लोगों ने नहीं लिया जरूर ले लें, ठीक है। बहुत ही अच्छा नोट्स है, बहुत लोगों का फायदा हुआ है और आपका भी बहुत अच्छा फायदा होगा, ठीक है। और लास्ट में फिर मैं आपको दूंगा अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट जो होगा वो भी मैं दूंगा, जो मतलब चूज करके मैं दूंगा। ये बेसिकली नोट्स बनाया है कि अगर मान लो इसके अंदर से कुछ अगर एग्जाम में कुछ आ गया, इसके अंदर नहीं मिला, तो आप लोग मुझे फिर मैसेज करोगे सर आपने वो तो कराया ही नहीं, दिया ही नहीं जो आ गया, ठीक है ना। और एटलीस्ट रीडिंग जरूर करना बुक, ठीक है, रीडिंग करना, ताकि कुछ टॉपिक अगर नहीं भी हो तो भी आप वहाँ पर अपने आइडिया से लिख पाओ, ठीक है। रीडिंग करना जरूरी है कॉन्सेप्ट के लिए, नोट्स क्वेश्चन आंसर है। और जो लोग नहीं लिए हैं जरूर लिए, ठीक है ना, बहुत ही कम दाम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाता है, आराम से ले सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर लेना 7002456896 पे। ओके, चलो, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।